आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापांव खूंटी पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह अक्षय तृतीय भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रम के लिए जायजा लेने पहुंचे। जन्मस्थली पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद नजर आए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान परशुराम की जन्मस्थली को एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्वरूप रूप में विकसित करना चाहते हैं। कलेक्टर ने बताया कि यहाँ कोई समिति ना होने के कारण सभी के विचार विमर्श एकजुट नहीं हो पाते हैं, इस कारण से विकास कार्य करने में दिक्कत आती है। भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध कर पाएंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थल के बारे में चर्चा कई बार करते हैं, बोला है, निर्देश दिया उन्होंने कि स्थल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना है और जो भी शासन का सपोर्ट होगा, जो भी राशि होगी, आवश्यकता होगी, जो भी जनभागीदारी होगी, उसके लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के आए हुए हैं। उसी क्रम में आज मैं आया था यहाँ पर। एक बार पहले भी हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया था तीर्थ स्थल का और आज भी आए थे, सब लोगों से चर्चा की है कि किस प्रकार से एक व्यवस्था यहाँ बने। अभी यहाँ पर एक व्यवस्था की इश्यूज़ आते हैं क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि विकसित हो ये स्थल, सभी के अपने अपने विचार रहते हैं और सभी स्थल को बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, पर चूंकि एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी प्रॉपर कोई नहीं है यहाँ पर, वो सरकारी प्रॉपर्टी है, पूरी ज़मीन पूरी सरकारी है और एक कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के एब्सेंस में सभी के जो विचार हैं इस स्थल को विकास करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं एक उसमें बहुत ही माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो कई बार फिर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसमें एक निर्णय नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की कैसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें कि सभी भक्त मंडली उस प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी रहे, सभी का सहयोग रहे उस व्यवस्था को और स्वामी जी का आशीर्वाद रहे उसमें, और सभी पुजारी जो हमारे हैं उनका जो भी व्यवस्थाएँ हैं उत्कृष्ट रूप से रखें। हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज, उसमें जो अलग अलग समाज हैं उसमें, वो सब जुड़ा रहे इस स्थल से, इन सब पर चर्चा हुई है। अभी लोग आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे और मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि जैसे रंजीत हनुमान मंदिर में व्यवस्था है या खजराना गणेश मंदिर में व्यवस्था है, रंजीत हनुमान मंदिर में व्यवस्था जो है उसमें वहीं पर हम लोगों ने वहाँ के पुजारी स्वामी जी के सब मकान निर्मित कर दिए हैं और सब सम्मान से वहाँ रह रहे हैं, नियंत्रित करते हैं पूरा वो, पूरी भक्त मंडली उस मंदिर को चलाती है। तो यहाँ की भक्त मंडली भी जो ब्राह्मण समाज के भी प्रमुख लोग हैं, अन्य समाजों के लोग भी जुड़े हैं क्योंकि भगवान परशुराम सभी के लिए महत्वपूर्ण थे, सभी के भगवान हैं वो, तो उसी प्रकार से तर्ज पे यहाँ भी वही भक्त मंडली पूरी एक होकर के और संचालन करे, उसमें एक ऊपर गाइड करने के लिए, बाहर के कोऑर्डिनेशन के लिए, सरकार के कोऑर्डिनेशन के लिए हम भी रहें उसमें और SDM भी रहें उसमें, ऐसी एक व्यवस्था की चर्चा हुई है। ये लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, वो व्यवस्था हो जाती है तो मेरे ख्याल से उसमें फिर जनभागीदारी से सहयोग लेना।